हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा एक बार फिर आपके साथ जानकारी हित चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल जानकारी हित पर बहुत सी वीडियोस, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बेसिकली कॉमर्स एंड मोटिवेशनल वीडियोस इस चैनल पर हैं। आज जो बात करेंगे हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इशू, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन या भुगतान शेष क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का। Let's discuss this topic in today's video. आज हम सभी जानते हैं ग्लोबलाइजेशन का पीरियड है, इंटरनेशनलिज्म इज देयर, वन मार्केट कॉन्सेप्ट इज देयर, सारी दुनिया एक बाजार बन गई है। वस्तुओं का लेना देना, सेवाओं का देना लेना, आना जाना, पैसे का फ्लो इन एंड आउट रूप में लगातार कंटिन्यूस फॉर्म में सारे देशों में दुनिया में चल रहा है। जब दुनिया के देश एक दूसरे के बिना अब रह नहीं सकते किसी भी तरह की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की अगर बात करें, तो इतना लेना देना, इतनी ट्रांजैक्शंस होगी तो उनका रिकॉर्ड भी तो जरूरी है ना, वरना कैसे याद रहेगा, कैसे उसको मैनेज कर पाएंगे, वही मैं बात कर रहा हूं आज। तो इस टाइप के जो बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर जो बिजनेस ट्रेड जो ऐसी एक्टिविटी चल रही हैं, उनके रिकॉर्ड से रिलेटेड बेसिकली दो कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड, सेकंड वन इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। आज हमारा जो टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में हमें पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और डिस्कस करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, व्यापार संतुलन क्या होता है, इसके बारे में बात करें। यस स्टूडेंट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज सच एन अकाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू कंट्रीज वेयर ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स आर मेंटेन्ड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन, एक ऐसा खाता है, एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें किसी भी देश का इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे देशों के साथ जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है विजिबल आइटम का, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, विजिबल आइटम, फिजिकल आइटम्स, वो वस्तुएं जिनका देख सकते हैं, जिनका रंग रूप आकार होता है, उनको विजिबल आइटम कहते हैं। उनका जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, आयात और निर्यात, उसके रिकॉर्ड को, उसके खाते को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट कहते हैं। समझ लगी बात? ध्यान रखो कि विजिबल आइटम का इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो इसमें तीन तरह के एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जब इस खाते के हिसाब किताब की बात होती है। वन इज द बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड किसी भी देश के लिए तभी होता है जब ऑल द इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम इज इक्वल टू द ऑल द एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम। जैसे यहां लिखा है, जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर हो जाए विजिबल आइटम्स के, तो उस स्थिति को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट कहते हैं। सेकेंड है अनबैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसमें दो स्थितियां देखने को मिलती हैं, एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, ध्यान से सोचो, किसी देश के जो उसके हित में हो वो क्या स्थिति होगी। जब देश में पैसा ज्यादा आए ना और जाए कम, वो फेवरेबल पोजिशन होगी ना। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जोड़कर देखते हैं, अगर हम इंपोर्ट कम करें, वस्तुएं बाहर से कम मंगवाएं, जिसको आयात कहते हैं, तो हमें कम पैसा देना पड़ेगा, और जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ा दें, जो निर्यात होना है बाहर के देशों में वस्तुएं जाने उनको बढ़ा दें तो पैसा ज्यादा आएगा, तो फेवरेबल पोजीशन बनेगी ना। यस, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं, वो स्थिति है जब भौतिक वस्तुओं का एक्सपोर्ट भौतिक वस्तुओं के इंपोर्ट से ज्यादा होगा, जैसे यहां दिखाया है। तीसरा है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये उससे
रिवर्स पोजीशन बन गई, जब इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम इंपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम से ज्यादा होगी, जब इंपोर्ट ज्यादा होगा एक्सपोर्ट कम होगा उसके कंपैरिजन में, तो वो जो स्थिति होगी वो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड की स्थिति होगी, प्रतिकूल व्यापार संतुलन। समझ लगी मेरी बात? तो इससे एक बात साफ है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इसमें विजिबल आइटम का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का अकाउंट इंक्लूड होता है, उसका जो हिसाब किताब है, जो लेखा है उसका। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। भुगतान संतुलन क्या है? दुनिया के देशों में सिर्फ वस्तुओं का लेन देन नहीं होता भाई, साथ में सेवाएं भी इधर उधर जाती हैं। डॉक्टर यहां के वहां जा रहे हैं, वहां के यहां आ रहे हैं, यहां के इंजीनियर्स बाहर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यहां के प्रोफेशनल्स बाहर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां बाहर के देशों के हमारे देश में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना सर्विसेज का भी। इसी तरह से कैपिटल का फ्लो होता है, पैसा भी इधर उधर जाता है देशों में। एक बिजनेसमैन दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे वाले हमारे देश में कर रहे हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में एक बात बता दूं कि ये एक वाइडर कंटेंट है बैलेंस ऑफ ट्रेड के बाद के तुलना में। बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो सिर्फ इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम था, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वाइडर कंटेंट है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों शामिल है, साथ में कैपिटल का फ्लो भी शामिल होता है। तो बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को, अगर हम शब्दों में बांधने की कोशिश करें बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री इज द सिस्टेमैटिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन बिटवीन इट्स रेजिडेंट्स एंड द रेजिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सिस्टेमैटिकल ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, सब किस्म की ट्रांजेक्शन, उसमें फिजिकल गुड्स भी हैं, जो सर्विसेज हैं वो भी शामिल हैं, जिसको इनविजिबल कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर बात करें तो इसमें तीन चीजें शामिल है, बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। विजिबल आइटम जिनका रंग रूप आकार फिजिकल फॉर्मेशन होता है, जिसको दृश्य वस्तुएं कहते हैं, जिनको देख सकते हैं। इनविजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम में सर्विसेज शामिल है, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेशनल की सेवाएं। तीसरा है कैपिटल आइटम्स, और वी कैन से कैपिटल ट्रांसफर। जो पूंजी का फ्लो होता है ना एक देश से दूसरे देश में, वो ट्रांजेक्शंस भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिस्सा होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी तीन तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं, जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड में बताया। बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे भुगतान संतुलन या भुगतान शेष कहते हैं, उसमें तीन स्थितियों में, पहली स्थिति क्या है, बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, संतुलित भुगतान संतुलन। पर उससे पहले एक बात ध्यान रखो, मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट में यह तो बताया कि इसमें इस किस्म की आइटम्स आती हैं। इसमें एक बात ध्यान रखना होगा, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो किसी देश के टोटल रिसीट्स और टोटल पेमेंट का हिसाब किताब है, जो उस देश का, उस देश के नागरिकों का दूसरे देशों के नागरिकों या दूसरे देशों के साथ भुगतान होता है। टोटल रिसीट्स एंड टोटल पेमेंट्स, कुल प्राप्तियां और कुल भुगतान, उनका हिसाब किताब है। तो बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होगा? व्हेन टोटल रिसीट्स इज इक्वल टू टोटल पेमेंट, जब कुल प्राप्तियां कुल भुगतान के बराबर होंगी। फिर अनबैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट में वही दो स्थितियां, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होगा, फेवरेबल अनुकूल जो देश के हित में हो वो कब होगा, व्हेन टोटल रिसीट्स इज मोर देन टोटल पेमेंट, जब प्राप्त ज्यादा हो रहा होगा भुगतान कम करना पड़ेगा, तो वो फेवरेबल पोजीशन बन गई। तीसरा है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अनफेवरेबल बैलेंस पेमेंट तब होगा किसी भी देश के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए, व्हेन टोटल पेमेंट इज मोर देन टोटल रिसीट्स, और वी कैन से टोटल रिसीट्स इज लेस देन टोटल पेमेंट, जब वही प्राप्त कम हो रहा है, देना ज्यादा पड़ रहा है, तो अनफेवरेबल या उसको प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कहते हैं। क्लियर होगी बात?
तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंक्लूसिव फॉर्म में हम यही कह सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंट है, एक ऐसा खाता है जो देश के नागरिकों द्वारा या देश द्वारा दूसरे देशों को किए जाने वाले भुगतान या दूसरे देशों के नागरिकों की जाने वाली पेमेंट और दूसरे देशों से या दूसरे देशों के नागरिकों से मिलने वाली पेमेंट, जिसको रिसीव कहते हैं, रिसीट्स के रूप में जानते हैं, उससे रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस जो एक निश्चित फाइनेंशियल ईयर में होती हैं, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बात आ गई हो फाइनेंशियल ईयर क्या है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स तो जानते होंगे, फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष, हिसाब किताब का वर्ष कह सकते हैं हम। हमारे देश में जो बिजनेसमैन है, जब एक साल का अपना हिसाब किताब, एक वर्ष का पूरा हिसाब किताब देखते हैं, तो वो फाइनेंशियल ईयर है। हमारे देश में जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक, बहुत से देशों में फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होता है। क्लियर होगी बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड को जानने के बाद इनमें अंतर क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड, जिसको बॉब के नाम से कह रहा हूं मैं, एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड बॉट, दोनों में अंतर क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज वाइडर ए स्कोप और कंटेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो एरिया है ना, वो विस्तृत है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ शामिल है, और उसके कंपैरिजन में बैलेंस ऑफ ट्रेड हैज वेरी नैरो स्कोप इन कंपैरिजन टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की तुलना में बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो स्कोप है, वो उसमें जो कंटेंट शामिल है वो सीमित है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल एंड इनविजिबल, जिसको सर्विसेज कह रहे हैं, ये शामिल होते हैं, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आइटम का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंक्लूड होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल ट्रांसफर शामिल होती है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में शामिल नहीं होती। इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी देश के लिए, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो सिर्फ इंपोर्टर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट शामिल होते हैं, वो भी सिर्फ विजिबल आइटम के। ये है दोनों में बेसिक डिफरेंस, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अब बात करते हैं हम आज का बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसको ध्यान से सुनो, वो है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, और वी कैन से द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का ढांचा क्या है, ढांचा मतलब जिससे वो बना होता है, कंपोनेंट्स उसमें क्या क्या इंक्लूड है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब बात करें इसके कंपोनेंट या स्ट्रक्चर की, इट इज हैविंग टू टाइप ऑफ अकाउंट, दो, क्योंकि हमें ये तो पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट है। When we talk about the structure of balance of payment, then we should clear about that there are two types of account as a main part of its structure. One is the current account, second one is the capital account. अब दोनों को समझते हैं। बहुत students बात करते हैं current account, चालू खाता क्या है। Current account is that account, or we can say component of balance of payment, which includes all the transactions of unilateral transfer, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये नया शब्द आया बीच में, यूनिलैटरल ट्रांसफर, इसके बारे में बताता हूं मैं। करंट अकाउंट में एक ऐसा अकाउंट है भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जिसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब विजिबल आइटम भी होंगी, इनविजिबल आइटम भी होंगी, उससे रिलेटेड जो भी टोटल रिसीट्स एंड टोटल पेमेंट होंगी। इसके अलावा यूनिलैटरल ट्रांसफर इज द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल और फ्लो ऑफ मनी, एक देश से दूसरे देश की तरफ जो पैसे का फ्लो होता है विदाउट एनी विजिबल और अनविजिबल आइटम्स। जैसे कैपिटल ट्रांसफर, एक देश से दूसरे देश में जाकर किसी ने कोई चीज परचेज की। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर की मैं बात बताऊं आपको, इसको एक तरफ का भुगतान कहते हैं, वन वे फ्लो, एक ही तरफ से पेमेंट या पैसे का या कैश का फ्लो होता है, दूसरी तरफ से उसके बदले में नहीं होता। तो इस तरह की स्थिति को हम, इस तरह की जो पेमेंट्स हैं या रिसीट्स हैं, उसको यूनिलैटरल ट्रांसफर्स का नाम देते हैं। तो करंट अकाउंट में ये तीनों शामिल हो गए, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम्स, जिसको हम सर्विसेज कह रहे हैं, और साथ में यूनिलैटरल ट्रांसफर।
करंट अकाउंट के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होता है। जनरली आप जिन कंटेंट्स को डिफरेंट ऑथर्स को पढ़ रहे होगे, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल होगा, एक करंट अकाउंट बना होता है, उसके एक तरफ पॉजिटिव आइटम दिखाते हैं, एक तरफ नेगेटिव। भाई इसका एक सिंपल सा नियम है, दिमाग में बांध लो ये। ज्यादा डिटेल आप देख सकते हो, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल एक ही है। करंट अकाउंट के पॉजिटिव आइटम्स या पॉजिटिव साइड में, रिसीट साइड में वही आइटम्स होती हैं जिस किसी ट्रांजैक्शंस के कारण, वो तीन ट्रांजैक्शन, विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर, जिस किसी ट्रांजैक्शन के कारण तीनों में से पैसे का फ्लो इन हो, देश में पैसा आए। जैसे देश ने एक्सपोर्ट किया तो पैसा आएगा, इंपोर्ट करेगा देश, बाहर से सामान मंगाएगा तो पैसा जाएगा। जिस किसी कारण भी ध्यान से, जिस किसी कारण भी अगर देश में टोटल रिसीट्स इनफ्लो होता है, आते हैं, तो वो करंट अकाउंट से रिलेटेड पॉजिटिव साइड की आइटम्स है या रिसीट साइड की पेमेंट्स या नेगेटिव साइड क्या है, आप समझ गए होंगे। जिस किसी ट्रांजेक्शन के कारण पैसा देश से बाहर जाए, जो करंट अकाउंट से रिलेटेड आइटम है, चाहे वो विजिबल, इनविजिबल या यूनिलैटरल ट्रांसफर है, तो वो सारी की सारी नेगेटिव आइटम्स होती हैं, ये ध्यान रखना। इसके अलावा अब बात करते हैं हम करंट अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता क्या है? ये कैपिटल अकाउंट इज दैट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट विच इंक्लूड्स सच ट्रांजेक्शंस with the help of which the residents of one country can exchange capital, assets and liabilities with the residents of other country. एक वो खाता है, पूंजी खाता, जिसमें किसी देश के नागरिक दूसरे देश के नागरिकों के साथ, या एक देश दूसरे देश के साथ capital, assets और liability का लेन देन करता है। उस आइटम से रिलेटेड, इन सभी आइटम से रिलेटेड जो अकाउंट होगा उसको हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ, ध्यान से तीन बातें, एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। तो जब कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो इसकी जो मेजर कंपोनेंट, जब इसके कैपिटल अकाउंट की बात करें तो इसमें चार तरह की आइटम इंक्लूड होती है, चार तरह उनको क्लासिफाई करते हैं। एक होता है इसमें प्राइवेट ट्रांजेक्शन, देश के दो देशों के नागरिकों के बीच में, रेजिडेंट्स के बीच में, जो उनके अपना प्राइवेट लेवल पर कैपिटल, एसेट्स और लायबिलिटीज का ट्रांसफर होता है, उन सभी आइटम्स को प्राइवेट ट्रांजेक्शन का नाम दिया जाता है, उन सभी लेन देन को। फिर उसके बाद दूसरा आता है ऑफिशियल ट्रांजेक्शन। तो समझ गए, ऑफिशियल मतलब जो गवर्नमेंट के लेवल पर कैपिटल, एसेट्स और लायबिलिटी का जो ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है दो देशों के बीच में, उन सभी ट्रांजेक्शन को हम ऑफिशियल ट्रांजेक्शन का नाम देते हैं या गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन। तीसरा पार्ट है इसका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब किसी देश, एक देश के रेजिडेंट्स दूसरे देश में जाकर सीधा इन्वेस्टमेंट करें, निवेश करें, और जो एक खास बात, जो निवेश करें, जिसमें भी पैसा लगाया, उसके बाद उसकी जो ओनरशिप है वो उनकी हो जाए। इंडिया के किसी व्यापारी ने इंग्लैंड में जाकर एक शोरूम परचेज किया, एक फैक्ट्री परचेज की, तो वो उसकी बन गई थी। इस तरह के इन्वेस्टमेंट को हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फिर इसके अलावा एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? थोड़ा डिफरेंट है ये। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट तो करते हैं कोई भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन, कोई भी व्यापारी, कोई भी इंडिविजुअल दूसरे देश में इन्वेस्ट करे, पर उसकी ओनरशिप उसके हाथ में ना आए। जैसे इंडियन इन्वेस्टर्स ने यूएसए में शेयर्स परचेज की आईबीएम के, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के कंपनी के, तो उसकी ओनरशिप, उसका मालिक नहीं बन गया वो सारा का सारा, वो कंपनी वही की है। जितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होंगे वो आपको पता है, वो हिसाब का बदलता रहता है, उसका हिस्सा होगा उसमें, वो उसका ओनर नहीं बनता ऐसे। इसी तरह से एक देश का दूसरे देश में ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे वो कुछ परचेज तो कर ले पर उसकी ओनरशिप उसके पास ना आए, उसको हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये चारों हिस्से कैपिटल अकाउंट का पार्ट होते हैं, जिसमें हम कैपिटल अकाउंट में बात की एक्सचेंज ऑफ
एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं, जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, वो क्या है। कई बार एक रिलेटेड टॉपिक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड, ऑटोनोमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है। जनरली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब उनकी बात करें। ऑटोनोमस आइटम जिसको स्वतंत्र मदें कहते हैं, क्या होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो सभी आइटम्स, वो सारी ट्रांजैक्शन जिनको करने का मकसद इकोनॉमिक हो, आर्थिक हो, और मेन मोटिव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, लाभ कमाना हो, तो उन सभी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आइटम्स को हम ऑटोनोमस आइटम्स कहते हैं। ऑटोनोमस आइटम्स जिसको स्वतंत्र मदे कह रहे हैं, इसमें एक खास बात और होती है। ऑटोनोमस जब इन्वेस्टमेंट कोई करता है, ट्रांजैक्शन करता है, तो उनका मकसद ये कभी भी नहीं होता कि बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड को उन्होंने इक्वली वेंट करना है, उसमें समानता लेके आना, वो इस बारे में नहीं सोचते। उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है तो कर देनी है। ऑटोनोमस आइटम्स के बारे में एक बात बताऊं, इन आइटम्स को आइटम्स अबव द लाइन भी कहते हैं। मतलब क्या है, इनका बैलेंस ऑफ पेमेंट में भाई फेवरेबल पोजीशन हो, अनफेवरेबल हो, इनसे कुछ लेना देना नहीं। ये इन्वेस्टमेंट या ट्रांजेक्शन होनी है तो हो जाएंगी, ये आइटम ट्रांसफर होनी है तो कर ही देनी है। अब दूसरी आइटम की बात करते हैं, समझ गए होंगे आप, वो है अकोमोडेटिंग आइटम्स, समायोजित मदे जो एडजस्टमेंट के लिए हो। साफ पता चल रहा है, ये वो आइटम इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की वो आइटम इसमें शामिल होती है जिनका मेन मकसद एडजस्टमेंट करना है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। भाई अनफेवरेबल चल रहा है, उसको फेवरेबल कैसे बनाए, उसमें जो बिजनेस देश को या ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर कमी आ रही है, कुछ नेगेटिव पोजीशन है, उसको पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट करें। इनका मेन मकसद आर्थिक नहीं होता, इकोनॉमिक एजेंडा इज नॉट देयर, ना ही ऐसी आइटम्स या ऐसे लेन देन का मकसद प्रॉफिट अर्न करना होता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है ऑटोनोमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स में, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में पेमेंट से रिलेटेड वो आइटम या वो इन्वेस्टमेंट है, वो लेन देन है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिस्सा होते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट से ऐड हो जाता है, इज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बैलेंस्ड, क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस्ड होता है। तो इसको एक जनरल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बताऊं, जब इसको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जहां हिसाब तब लिखते हैं, लेखा तैयार होना है, वहां डबल एंट्री सिस्टम का रूल होता है। डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटेंसी में जानते हैं, जितना अगर कुछ आएगा तो कुछ जाएगा भी, आना और जाना बराबर, बाहर से वस्तु आएगी तो पैसा जाएगा, डबल एंट्री सिस्टम में बराबर बराबर अमाउंट होता है। तो फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो लेखा तैयार होता है उसके हिसाब से बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस्ड रहता है। अकाउंटेंसी की भाषा में इसको बोलते हैं जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट होता है जब भी कोई ट्रांजेक्शन हो। लेकिन फ्रॉम ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू जब उसकी बात करें, व्यवहारिक रूप में देखें, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस्ड नहीं होता। इसमें कभी अनबैलेंस्ड पोजीशन बार बार देखने को मिलती है, कभी ये फेवरेबल होती है, कभी अनफेवरेबल होती है, कभी डेफिसिट हो रहा होता है, कभी पैसे बच रहे होते हैं, मार्जिन इज देयर, प्रॉफिट होता है। तो ऐसी स्थिति बैलेंस ऑफ पेमेंट में लगातार बनी रहती है, उसको बैलेंस्ड करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट। फाइनल कंक्लूजन हम यही दे सकते हैं कि फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड बिकॉज वी आर यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम देयर। जबकि दूसरी तरफ बैलेंस ऑफ पेमेंट को जब ऑपरेशनल या व्यवहारिक रूप से देखें तो ये बैलेंस्ड नहीं होता, इसका इसमें फेवरेबल या अनफेवरेबल पोजीशन बनी रहती है। तो लास्ट में बड़ी जल्दी जल्दी एक बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट की, ये क्या होता है। तो बात करते हैं, अब बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट क्या है, भुगतान संतुलन या भुगतान शेष घाटा क्या है, भाई कमी कहां बढ़ रही है, ये डेफिसिट क्या है। तो एक बात तो साफ पता चल चुकी होगी अब तक कि बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस द अकाउंट ऑफ टोटल रिसीट्स एंड टोटल पेमेंट, कुल प्राप्ति और कुल भुगतान का जो अकाउंट है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो इसमें डेफिसिट तभी होता है जब टोटल पेमेंट टोटल रिसीट से ज्यादा हो, जब भुगतान ज्यादा करना हो और प्राप्तियां कम हो,
तो उस स्थिति को बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट की पोजीशन कहते हैं, बैलेंस भुगतान संतुलन में कमी की स्थिति है ये। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं कॉजेज ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। इसमें सबसे पहले कारण है इकोनॉमिक कॉजेज, आर्थिक कारण क्या है उससे रिलेटेड। सबसे पहला पॉइंट जिसके बारे में बात करते हैं वो है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि आज गवर्नमेंट लगातार कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती रहती है, कुछ ना कुछ बनाती रहती है, तो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से एक्सपेंसेस किए जाते हैं उन इंफ्रास्ट्रक्चर जो ढांचे हैं उनको बनाने के लिए सरकार को बहुत सी जो वस्तुएं हैं बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट की पोजीशन बन जाती है इंपोर्ट ज्यादा होने के कारण। इसके अलावा ट्रेड साइकिल जो व्यापार में अप डाउन ट्रेड साइकिल्स होते हैं, व्यापारिक चक्र जो चलते हैं वो जब फेवरेबल नहीं होंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट की पोजीशन आएगी। इसके अलावा स्ट्रक्चरल चेंजेस, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में कई बार डिफरेंट टाइप के ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हैं जो फेवरेबल पोजीशन में नहीं रहते, वो नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ जाता है। इसके अलावा इन्फ्लेशन इज द मेजर कॉज ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन्फ्लेशन जब भी होगा, मुद्रास्फीति जब भी होगी, तो महंगाई होगी, महंगाई के कारण देश में जो बनने वाला सामान है वो महंगा हो जाएगा, उसकी डिमांड बाहर कम होगी, बाहर से सामान ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, तो उस हालत में बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आएगा। टर्म्स ऑफ ट्रेड, अगर व्यापार की हालत ही ऐसी है, व्यापार की पोजीशन ऐसी चल रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड, मान लो आजकल कोविड के पीरियड में ट्रेड की पोजीशन बहुत सी आइटम्स में एडवर्स पोजीशन चल रहा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट उन आइटम्स के कारण डेफिसिट होगा। इसके अलावा दूसरा इसमें कॉजेज होते हैं पॉलिटिकल कॉजेज, राजनीतिक कारण भी हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अगर अस्थिरता है, कभी सरकारें बन रही हैं कभी जा रही हैं, बार बार इलेक्शन हो रहे हैं, नो स्ट्रांग पॉलिटिकल विल पावर इज देयर, कोई मजबूत इरादे वाली सरकार नहीं है जो पक्के डिसीजन ले सके, फैसले ले सके जो इंटरनेशनल व्यापार के लिए बढ़िया हो, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण भी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट की पोजीशन आती है। इसके अलावा इसका कारण हो सकता है पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई है, बजट तैयार होता है, 5-year प्लान जैसे हमारे देश में चलती है, प्लानिंग में अगर नेगेटिव इंपैक्ट दिख रहे हैं, इकोनॉमी को प्रॉपरली प्लान नहीं किया गया, तो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट की पोजीशन आ सकती है। थर्ड वन इज द सोशल कॉजेज। सोशल कॉजेज में होता है सोशल प्रेफरेंसेस, किसी देश के लोगों की आदतें क्या हैं, भी क्या प्रेफर करते हैं, उनकी हैबिट्स क्या हैं, वो इंपोर्ट की गई वस्तुओं को ज्यादा पसंद करते हैं या देश के अंदर मैन्युफैक्चर्ड वस्तुएं ज्यादा पसंद करते हैं, उन देश के लोगों में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट कितना हावी है, ये सारे सोशल कॉजेज हैं कि उनकी हैबिट्स क्या है, उनके टेस्ट क्या है, ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को इंपैक्ट करते हैं। अगर हम सारा कुछ इंपोर्टेड आइटम्स को भी पसंद करेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा एटीट्यूड ऑफ द पीपल, लोगों का जनरल एटीट्यूड क्या है देश के बारे में, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग है या नहीं, अगर ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग होगी, उनके पॉजिटिव विचार होंगे तो देश में ही इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, तो उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट की पोजीशन नहीं आएगी। अगर ऑप्टिमिस्टिक पोजीशन नहीं है, निराशावादी है वो, तो उस हालत में बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट की पोजीशन का सामना करना पड़ता है। समझ लगी मेरी बात? तो डियर स्टूडेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट तो हो गया भाई, कमी तो होगी, अब इसको ठीक भी करना है। हाउ कैन वी सॉल्व द सच सिचुएशन, व्हाट सिचुएशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, इस स्थिति को सुधारा कैसे जा सकता है? तो बात करते हैं सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। वन इज द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बढ़ा दो भी, जितना एक्सपोर्ट बढ़ाओगे पैसा ज्यादा आएगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो डेफिसिट है खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगर इंक्रीज एक्सपोर्ट है एंड डिक्रीज इंपोर्ट, जो आयात हो रहा है बाहर से सामान आ रहा है उसको भी कम करो, तो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट है वो स्थिति ठीक होगी। सेल्फ सफिशिएंट सफिशियंसी, देश को सेल्फ रिलायंट बनाओ, सेल्फ सफिशिएंट बनाओ कि हम अपने ही देश में वस्तुओं का उत्पादन कर सकें, अगर ऐसा होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट है वो स्थिति को हम सुधार पाएंगे। कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखो, महंगाई कम है तो वस्तुओं की प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम है तो इंटरनेशनल लेवल में हमारे देश के सामान की वैल्यू ज्यादा होगी, लोग उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ने से बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट है वो कंट्रोल हो जाएगा। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, एक और है प्रोडक्शन को बढ़ाओ, खास करके उन वस्तुओं के प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ाओ जिनकी फॉरेन कंट्रीज में डिमांड है, तो हम एक्सपोर्ट को बढ़ा पाएंगे, तो उसके कारण भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को हम कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमें बाहर के देशों से सामान कम मंगवाना पड़ेगा, तो भी डेफिसिट की जो स्थिति है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा मोर इनफ्लो फॉरेन कैपिटल,
जितना हो सकता है एफडीआई को इनिशिएटिव लेकर देश में लेकर आओ। एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर के जो निवेशक हैं उनको उत्साहित करो, ऐसी नीतियां बनाओ कि वो हमारे देश में कैपिटल इन्वेस्ट करें, तो पैसे का फ्लो देश में इनफ्लो के रूप में होगा, तो डेफिसिट की स्थिति को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दैट इज आल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट। देश में राजनीतिक स्थिरता बनी रहनी चाहिए। अगर राजनीतिक स्थिरता है तो गवर्नमेंट स्ट्रांग और परमानेंट डिसीजन ले पाएगी, एक प्रॉपर इकोनॉमिक पॉलिसी होगी देश में। तो इन सब कारणों के कारण हम अगर हम ये सारे स्टेप्स लेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो डेफिसिट है, कमी है, हम उसको ठीक कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का कॉन्सेप्ट। इस कंटेंट को समझें। अगर आपको कुछ समझ नहीं लगा तो वीडियो के उस हिस्से में जाकर इसको दोबारा देखें, कंप्लीट वीडियो देखें। एक बात मैं और कहता हूं कि ईयरफोन लगाकर सुने इसको और देखें इसको, तो समझ लगेगा, ताकि आले दुआले की डिस्टर्बेंस ना हो। तो स्टूडेंट्स, अगर कुछ आपको कंसर्न है आज के कंटेंट से रिलेटेड, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट दें। स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी वीडियो इस चैनल पर है उनको भी देखें, आने वाली वीडियोस का इंतजार करें। आपका हित अभिलाषी शर्मा आपके हित के लिए बहुत सी वीडियोस और लेकर भी आने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच।